आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक आदमी, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं कुछ समय के लिए, वो काम करते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ कि आजमगढ़ या प्रतापगढ़ से कहीं एक आदमी आया जिसने एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट उस दिन किया, जिसका नाम है अबू आजमी। वो आदमी महाराष्ट्र में आता है और यहाँ पर आने के बाद दो जगह से चुन के आता है। आप वो दो जगहें जाके देखिए, मैं आपको लेके जाऊँगा वहां पे। यहां पे रहने वाले जो लोग हैं बरसों से, वो है नहीं। वो उत्तर प्रदेश से आए हुए जो कुछ लोग हैं जिनको वहां पे बसाया गया है, उनसे वो चुन के आते हैं। तो ये जो राजनीति जो कर रहे हैं काम के नाम से, मैं उसके खिलाफ हूं। जैसे अगर देखा जाए, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं यहां पे भी आए होंगे। मेरे एक दोस्त है मिस्टर सुरेश गुप्ता, जो मेरे मित्र है, ओरिजिन होगा उनका उत्तर प्रदेश का, अच्छी मराठी बोल लेते हैं, मराठी स्कूल में पढ़े हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आई, मुझे भी कभी लगा नहीं कि वो बाहर के हैं। मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। इस तरह की अगर राजनीति मैं करता तो क्या वो मेरे दोस्त रहते? शायद उनको लगता होगा कि दोस्त रहेंगे तो प्रोटेक्शन मिला रहेगा, तो बाकी लोगों को भी मिलता होगा। कहाँ प्रोटेक्शन मिलता है, देखिए कितनी लंबी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ। फरवरी से मार्च 2013 के कुछ लिस्ट निकाली मैंने। ठाणे में एक उत्तर भारतीय की जमकर पिटाई की मनसे के लोगों ने। सतारा में सैनिक स्कूल के दाखिले का किस्सा आपको याद होगा, वहां लोगों की पिटाई की। बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। तो लोगों को मारना पीटना ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, आप जो सवाल मुझे कर रहे हो ना, आपने कभी आसाम की जनता को नहीं की। यानी यहाँ पे तो कुछ वैसे हुआ नहीं था ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे तो आसाम के लोगों ने बिहारियों को जलाया था, उनकी गर्दनें काटी थी, उनको मार डाला था। वो भी गलत है, लेकिन इतना आपने चलाया नहीं क्योंकि टीआरपी नहीं होगा शायद। ऐसे सवाल में आपको मैं ईमानदारी से बताता हूँ जी, बिल्कुल, शायद कोई भी इंप्रेशन हो, हम कभी टीआरपी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा आप पे मत लेना, मैं आप जनरल चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, फिर वो हिंदी चैनल्स हो या इंग्लिश चैनल्स हो। मान लीजिए नहीं दिखाते हैं उसको, यानी मैंने एक बार कुछ तो भी एक किसी ने उस आंदोलन के वक्त एक कुछ समोसे की गाड़ी थी जो सब समोसे रोड पे गिरे हुए थे, देखो राज ठाकरे के लोगों ने क्या किया, वो क्लिप इतनी बार दिखाई कि मैंने वो जितने समोसे थे वो मैंने गिन लिया।